जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की काउंटिंग में टीकमगढ़ के खरगापुर में चल रही पहले चरण की मतगणना के दौरान मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोक दिया गया। प्रशासन ने सभी मीडिया कर्मियों को गेट के अंदर ही खड़े रहकर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। इसके विरोध में सभी मीडिया कर्मियों ने अपने आई कार्ड मतगणना केंद्र के मुख्य गेट पर फेंक कर विरोध जताया। मीडिया कर्मियों का कहना है कि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मीडिया वालों को मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया हो। इस बीच लगातार मीडिया कर्मियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक होती दिखाई दी। मतगणना केंद्र पर पहले चरण की मतगणना का काम पूरा हो गया, अब दूसरे चरण की गणना शुरू हो गई, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक मीडिया कर्मियों को मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। मतगणना के दौरान न केवल मीडिया कर्मियों बल्कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अंदर जाने से रोक दिया। जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 5 से चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार सत्य प्रकाश यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत उन्हें मतगणना स्थल पर जाने से रोका गया। यहां पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। जगत न्यूज 24 टीकमगढ़ से एमपी ब्यूरो कमल राजपूत की खास रिपोर्ट। काउंटिंग के दौरान क्या परेशानियां, क्या दिक्कत आ रही है? मैं जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 5 से प्रत्याशी हूं और मेरा अभ्यर्थी का ये परिचय पत्र है। कल जब मैं जिला पंचायत में गया, मैंने पूछा कि काउंटिंग के लिए कौन सा कार्ड बनेगा, हमारा क्या बनेगा, तो उनने कहा जो आपका परिचय पत्र बना हुआ है, अभ्यर्थी का परिचय पत्र, वही काम करेगा, अलग से कोई कार्ड नहीं बनेगा। ये मेरे पास कार्ड है और मैं जैसे ही अंदर जाने के लिए गया तो गेट के पास मेरा कार्ड देख के रुक गया, बोलने लगे कि ये डेट एक्सपायर हो गई है, बल्कि इसमें कोई ऐसी डेट है ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि राजनीति के चलते हुए, सत्ता पक्ष के चलते हुए ये कोई षड्यंत्र है कि प्रत्याशी अंदर ना जा पाए। और मैंने अभी देखा भी है कि जितने भी मीडिया बंधु हैं उनको भी अभी बाहर कर दिया गया है। ये संविधान का चौथा स्तंभ है, मीडिया को अंदर जाना चाहिए, मीडिया कोई रोक नहीं सकता है। जब आपने मीडिया के भी परिचय पत्र बनाए हैं, उनको अंदर जाने की अनुमति दी है, तो उनको भी क्यों बाहर निकाला? कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र तो हुआ ही है। क्या लगता है आपको, यहाँ इसके द्वारा षड्यंत्र रचा गया या कोई प्रत्याशी, ऐसा बड़ा प्रत्याशी है क्या कोई? अब बड़े प्रत्याशी तो ऐसे हैं कि वार्ड क्रमांक 5 से विधायक जी की पत्नी जी हैं, कहीं ना कहीं वार्ड क्रमांक 5 से कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव भी हैं, तो ऐसा ही है, सत्ता पक्ष है, उनकी सत्ता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जब उनने इसको एक्सपायर बता दिया है, बल्कि इसमें कोई डेट नहीं डली है, अगर डेट डली होती तो मैं मानता इस परिचय पत्र को, मैं प्रत्याशी, मैं अभ्यर्थी हूँ, ये परिचय पत्र किस काम का है फिर? आपको क्या लगता है, राहुल सिंह विधायक जो यहाँ के, उनके द्वारा प्रशासन पर दबाव है क्या? देखिए, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन सत्ता के हिसाब से पूरा सिस्टम चल रहा है, अब इतना तो सब जानते हैं क्या है और क्या नहीं है।